बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हमने केमिस्ट्री के अंदर सब बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लिए हैं, जो केमिस्ट्री के डिफरेंट फील्ड में डेफिनेशन, यानी कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये मेन डेफिनेशंस यूज होती हैं। इन बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं कि एक एटम अदर एटम के साथ कितने बॉन्ड फॉर्मेट करता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं H और Cl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि वो एक क्लोरीन से अटैच है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है कि वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ऐसे ही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कार्बन, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है, बिकॉज कार्बन अटैच अ 4 हाइड्रोजन एटम। कि कोई भी एटम जब वो किसी अदर एटम के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ कितने एटम कंबाइन हो सकते हैं, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज नॉन एज वैलेंसी। इसके बाद नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल हम कहते हैं एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को हम एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका सिंबल है। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, सो सी क्या है? इसका सिंबल है। हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, तो ये इसका सिंबल है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ये इसका सिंबल है। सो सिंबल हम कहते हैं एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट। एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट को हम सिंबल कहते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके सिंबल ओनली 1 अल्फाबेट पे कंसिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और सब एलिमेंट हैं जिनके सिंबल 2 अल्फाबेट पे कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका सिंबल है Na। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। इसके अलावा आयरन का सिंबल है Fe। सो कुछ एलिमेंट हैं जिनके सिंबल 1 अल्फाबेट पे कंसिस्ट होते हैं, तो जिनके सिंबल 1 अल्फाबेट पे कंसिस्ट हो उन्हें हम कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं, और जिन एलिमेंट के सिंबल जो है 2 अल्फाबेट पे कंसिस्ट हो, सो फर्स्ट अल्फाबेट आप कैपिटल लिखेंगे और सेकंड स्मॉल। जिस तरह सोडियम में फर्स्ट Na, N कैपिटल और A स्मॉल, मैग्नीशियम में Mg, M कैपिटल और G स्मॉल, आयरन Fe, F कैपिटल और E स्मॉल। और एक एलिमेंट के अल्फाबेट्स जो होते हैं वो या तो सिंगल अल्फाबेट से उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं और या 2 अल्फाबेट से, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो उसका जो सिंबल है वो कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 अल्फाबेट और या 2। इसके बाद नेक्स्ट है मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। Anything that has mass and occupy space are called matter. The matter exists in 3 forms: solid, liquid and gas. मैटर सॉलिड में भी होती हैं, लिक्विड में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। मैटर की ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज नॉन एज सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। और एक हमारे पास है मिक्सचर।
इम्प्योर फॉर्म ऑफ, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर हार्ड मिक्सचर। मिक्सचर हम कहते हैं एनी थिंग डेट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर मिक्सचर की प्योर फॉर्म है तो सब्सटेंस, और अगर उसकी इम्प्योर फॉर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। यानी कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज मिक्सचर। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एटम। डेफिनेशन ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन साइंटिस्ट, आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड, कि किसी मैटर का वो स्मॉल पार्टिकल जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एटम कहते हैं। सो ये एटम की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एटम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड द सब्सटेंस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, वो क्या है, एलिमेंट है। सब्सटेंस विच इज made up of same type of atom having same atomic number which cannot be decomposed by ordinary chemical means। Substance which is made up of same type of atom having same atomic number which cannot be decomposed by ordinary chemical means, कि वो substance which is made up of same type of atom, जो same type of atom में consist होते हैं, same atomic number or cannot be decomposed by ordinary chemical means, so इसको हम क्या कहते हैं, elements कहते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री।